कहते हैं जिसने समस्याओं को करीब से देखा हो वो उनका समाधान भी दिल से करता है। अनीता भदेल उन्हीं नेताओं में से एक हैं। अजमेर दक्षिण से बीजेपी विधायक अनीता भदेल वर्तमान में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। अनीता भदेल एमए एमएड हैं। उनका जन्म 23 दिसंबर 1972 को अजमेर में हुआ था। पेशे से टीचर रही अनीता भदेल का सियासी सफर पार्षद के तौर पर शुरू हुआ। साल 2000 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें अजमेर नगर निगम का सभापति बनाया। सभापति के तौर पर उनका कार्यकाल 2003 तक रहा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें अजमेर विधायक के उम्मीदवार के तौर पर चुना और अनीता भदेल ने पार्टी के फैसले को सही साबित करते हुए चुनाव जीता। इसके बाद से वो लगातार विधायक का चुनाव जीतती आ रही हैं। अनीता भदेल का लक्ष्य है कि महिलाओं को आर्थिक आजादी मिले और हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठे। क्या वो अब तक इसमें कामयाब हो पाई हैं? जानेंगे फेस टू फेस में। जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ पुरुषोत्तम वैष्णव। आज जिस चेहरे से मुलाकात कर रहे हैं वो है राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनीता भदेल जी। अनीता जी आपका स्वागत है फेस टू फेस में। थैंक यू विशम। पिछले लगभग 2-3 साल से इस देश के अंदर महिला अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मेरा सवाल यह है कि क्या केवल वास्तव में महिला मुद्दा ही रह गया है या सरकारें और व्यवस्था उस स्थितियों को बदल पाई जिसके कारण से महिलाएं मुद्दा बनी, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे हों, महिलाओं को समानता का अधिकार का मुद्दा हो, महिलाओं के सर्वांगीण विकास का मुद्दा हो, महिलाओं के स्वास्थ्य का मुद्दा हो या महिलाओं की सामाजिक स्थिति का मुद्दा हो और उसी से आगे निकल कर के राजनीतिक स्थिति। हम क्या केवल महिलाओं को चर्चा में लेकर के बात समाप्त कर रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्था बदल पाई? देखिए पुरुषोत्तम जी, आपने जो विषय उठाया है ये कोई पल दो पल का विषय नहीं है, है ना? ये हमारी जो सामाजिक संरचना है, है ना? उस सामाजिक संरचना के बीच में से ये मुद्दा, हम यूं कहें कि ये वर्तमान की काल परिस्थितियों का विषय है। जैसे जैसे देश दुनिया विकास की ओर बढ़ रही, विकसित हो रही है, तो उस परिदृश्य को इस देखने के लिए हम इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की आजादी, ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, ये बहुत लार्ज एक हम ये कहें तो ये विषय है। हम यदि हिंदुस्तान के इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसको बारीकी से हमने देखा है, महसूस किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुद्दे अनायास ही नहीं आए हैं, है ना? देश दुनिया में जब वो परिवर्तन हो रहा था तब हमारे देश में भी परिवर्तन की लहर, जागरूकता जिसे कहते हैं, अवेयरनेस जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ी शिक्षा के कारण से। शिक्षा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और पितृसत्तात्मक समाज जो हमारा ये है, उस पितृसत्तात्मक समाज में फिर महिलाओं को भी कहीं मंच मिले, महिलाओं को भी समाज पर कहीं मौका मिले, इस प्रकार का एक नए प्रकार का मूवमेंट प्रारंभ हुआ। और ऐसा नहीं है कि हमारे संस्कृति में या हमारे समाज में महिलाओं को कहीं रिकॉग्निशन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें कुछ बुराइयां आने के कारण से ये मुद्दा धीरे धीरे बना, और बनने के बाद में आज हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन शिक्षा के कारण से आए हैं। देश के आध्यात्मिक इतिहास का भी अध्ययन करें तो इस देश में, मैं कई बार कहता हूँ कि भगवान श्री राम को भी अधिकार नहीं था कि वो अपनी पत्नी चुने, माता सीता ने भगवान राम को चुना था। इस देश के अंदर मैत्री से लेकर के सावित्री तक की कहानियां हैं। लेकिन जब हम महिला की बात करते हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं, फिर हम एक गलती करते हैं सब।
महिला को दुर्गा बना करके पूजनीय बना देते हैं, फिर कहीं ना कहीं उसको मेन स्ट्रीम से दूर कर देते हैं। वही मैं आपको धीरे धीरे मैं इसी बात पे आ रही थी कि हम कहीं मध्ययुगीन काल जो हमारा रहा है, हमारा देश का जो इतिहास रहा है, जो मध्य युग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमने इस व्यवस्था में हमारा धीरे 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 परिवर्तन हुआ, और उसमें कोई साल दो साल नहीं लगे, उसमें हजारों साल लगे, और उस कारण से पितृसत्तात्मक समाज की संरचना हुई। और जैसे ही हम अब हमारा इतिहास यदि हम उठा करके देखते हैं, हमारी संस्कृति यदि उठा करके देखते हैं, तो यदि हम वापस पुनः उस तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो शिक्षा का है। तो ये बतौर बाल महिलाओं बाल विकास मंत्री, आपको लगता है कि राजस्थान में कुछ कर पाएं महिलाओं के लिए ऐसे कुछ काम जो कि वास्तव में सीधे सीधे महिलाओं को मजबूत बनाते हों? देखिए, महिलाओं के लिए माने हमारी जो वसुंधरा जी हैं मुख्यमंत्री महोदया, वो स्वयं एक महिला हैं और उन्होंने बहुत संवेदनशील हैं वो इस मुद्दे के प्रति। और जो राजस्थान में एक सबसे बड़ी योजना भामाशाह योजना जो लॉन्च की है, वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कारगर आने वाले समय में योजना साबित होगी। महिला को चिन्हित करके फैमिली का हेड बना करके उस पूरी योजना को बनाया गया है। यदि मैं अपने विभाग की बात करूं तो हमारे विभाग में महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हमने नवाचार के माध्यम से संचालित की है, क्योंकि आजकल आईटी का युग है और यदि हम आईटी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से फिर हमारी जो महिला वर्ग है वो पीछे कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर कि हमने विभाग के माध्यम से महिलाओं को कैसे हम कंप्यूटर फ्रेंडली बना सकते हैं, डिजिटल सहेली के कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, महिलाओं को हम RSCIT का कोर्स RKCL के माध्यम से निशुल्क हम उनको प्रशिक्षण कराते हैं, स्वयं सहायता समूह को बनाकर के उनको कैसे आर्थिक रूप से सशक्त बना सके, उनको पैरों पर कैसे खड़ा कर सके, उसके लिए हमने उनके विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं, प्रारंभ किए हैं। जो हमारी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बने, वो छोटे छोटे कुटीर जो घरों में चलाती हैं, जो परंपरागत हस्तशिल्प उनके पास में है, उस परंपरागत हस्तशिल्प को कैसे बाजार मिले, उसके लिए हमने अमृता हाट को हम संभाग स्तर पर लेकर के गए हैं। अब उनकी सामान की पहचान संभाग स्तर पर प्रदेश के विभिन्न संभागों में हो रही है, एक मार्केट उसको मिले, ऑनलाइन उसकी मार्केटिंग कैसे हो, हम अन्नपूर्णा पर उसके जो उत्पाद है उनको कैसे डिस्प्ले कर पाए, ये सब योजनाएं हमने प्रारंभ की। और मैं बहुत खुशी से बात ये कह सकती हूँ कि हम हर वर्ष लगभग 50,000 महिलाओं को कंप्यूटर फ्रेंडली बनाते हैं, और साथ में ही हमने जो ये अमृता हार्ट शुरू किया, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ हमारे सामने आए हैं, और हम अब इसको और नीचे के स्तर पर ले जाने की सोच रहे हैं कि हम इसको संभाग से भी नीचे स्तर पर लेकर के जाएं। अनिता जी, वापस मैं बात महिला सशक्तिकरण की करूंगा, महिला को ताकत की करूंगा, महिला की सामाजिक स्थिति की करूंगा, और इन सब चीजों के बारे में जब चर्चा होती है तो बात आती है महिला की आर्थिक आजादी की। अगर आर्थिक तौर पर अगर वो संपन्न है, स्वावलंबी है, तो निश्चित तौर पर बाकी की आजादी उसके साथ उसको मिलती है। क्या विशेष तौर पर राजस्थान में बतौर महिला बाल विकास मंत्री, क्या महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए जो सरकार की योजना है वो कारगर हो पा रही है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, अभी जो अमृता हार्ट हमने लगाया है वो स्पेशली महिलाओं के लिए था, मतलब महिला स्वयं सहायता समूह या महिला उद्यमी जो काम कर रही हैं, चाहे वो घरेलू उद्योग के रूप में, उनके लिए था। और उनको हमने बहुत अच्छा अनुभव हमारा रहा है कि हमने उनको बहुत अच्छा मंच उपलब्ध कराया और वो बहुत खुशी उसमें आने को तैयार है। जो आपने आर्थिक आज़ादी की बात करी है, मैं उसको वापस दोहराना चाहूँगी, निश्चित रूप से यदि महिला आर्थिक रूप से आज़ाद होती है तो सारी आज़ादी ऑटोमेटिकली उसके पास आती है, निर्णय की आज़ादी उसके पास आती है, परिवार में मुखिया की आज़ादी, मुखिया का के रूप में उसको नेतृत्व मिलता है यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम होती है। तो ये विषय हम बहुत गंभीरता से इसको ले रहे हैं। महिला को आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिए घर छोड़ना पड़ता है, शिक्षा के लिए घर छोड़ के बाहर आना पड़ता है। मैं बात करूं आज जयपुर की, या मैं बात करूं आपके शहर अजमेर की, अगर एक महिला अपना घर छोड़ करके अगर अजमेर में आकर के अध्ययन करना चाहती है या जयपुर में आकर के नौकरी करना चाहती है, सरकार वहां पर
केवल मूकदर्शक से दिखती है साहब। सरकार की तरफ से न महिला हॉस्टल्स की व्यवस्था है, न महिलाओं को सुरक्षित कोई आश्रय की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात है इसको लेकर के प्रयास भी नहीं, और उसी का परिणाम है ऐसा, कि कई माँ बाप कई बेटियां सिर्फ इसीलिए घर में रह जाती है क्योंकि उन्हें इस बात की गारंटी नहीं है कि वो जयपुर जाएगी तो रहेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, है ना, हम जयपुर या अजमेर की बात नहीं करें, महिलाएं देश छोड़कर भी बाहर जाती हैं शिक्षा के लिए, है ना। उनको जब स्कॉलरशिप मिलती है तो वो देश छोड़कर भी बाहर जाने को शिक्षा के लिए तैयार होती हैं। तो ये बात नहीं है, क्योंकि एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना नहीं, मैं मानता हूँ समाज में सुरक्षित वातावरण मिले, लेकिन एक वो सरकार की तरफ से वर्किंग वुमन हॉस्टल्स, वर्किंग वुमन जो उनकी तरफ से व्यवस्था संचालित है, जो वर्किंग वुमन हॉस्टल जो संचालित है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि संचालित नहीं है, संचालित है, लेकिन उसमें क्या, और कुछ हॉस्टल्स बहुत बंद है सर, बंद, मैं कह रही हूँ ना, कुछ हॉस्टल्स बंद हो गए हैं बीच के समय में, बंद हो गए। अब उनके क्या कारण रही, क्या परिस्थितियां रही, वो तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगी, परंतु हाँ जो महिलाएं वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स में जाना चाहती हैं उनके लिए, मैं अजमेर की बात करूं, अजमेर में हमारा किंग एडवर्ड मेमोरियल है, वहां पर हमारा वर्किंग वुमेन संचालित है, वहाँ पर वर्किंग वुमेन रह रही हैं, चाहे वो रेलवे वर्कशॉप में काम करती हों, चाहे वो DRM ऑफिस में काम करती हों, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में काम करती हों, वो वहाँ रहती हैं। और बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें तो गर्ल्स हॉस्टल्स ऑलरेडी होते हैं एजुकेशन के लिए, और वो वहाँ रहती हैं। लेकिन फिर भी यदि महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात है, आदमी क्यों प्रेफर करता है कि भाई वो सुरक्षित रहे, है ना, तो सुरक्षा का वातावरण देना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसको हम बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उसको वो वातावरण दे सके। अनिता जी, ये तो हमने बात करी वर्किंग वुमन की, महिला के आर्थिक जो सशक्तिकरण की, एक बात आगे निकल करके आती है वापस, महिला सुरक्षा और महिलाओं के प्रति अत्याचार। आंकड़े बताते हैं कि स्थितियों में कोई बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन नहीं आया। हाँ, समाज को बदलना पड़ेगा, लेकिन क्या सरकारें इस चीज को लेकर के गंभीर हैं? देखिए, आपने जो पहला, दो चीजें आपने कही हैं, पहली बात कही है कि आंकड़ों में वृद्धि हुई है महिला अत्याचार को लेकर के, इस स्थिति को हम बदलने के लिए कितने गंभीर हैं, दो विषय है। इस बात को यदि हम यूं समझें कि हमारे 100-200 साल से यदि हम हमारी समाज की संरचना को देखें, आप भी अपने परिवार को यदि पीछे से पलट के देखेंगे दादी या परदादी के समय से, तो हमने संस्कार जो लिए, जो दिए जाते थे बचपन में बिटिया को संस्कार, है ना, कि बचपन में उसको भाई की आज्ञा का पालन करना है, पिता की आज्ञा का पालन करना है, फिर पति की आज्ञा का पालन करना है, वो आज्ञा चाहे कैसी भी क्यों ना हो, है ना। धीरे 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 परिवर्तन हुआ है। आज्ञा कौन सी पालन योग्य है, जो शिष्टाचार के अनुकूल है, है ना, जो नैतिकता के अनुकूल और जो ठीक है वो पालन करना है। एक शराबी पीति शराब पी के आए, दिन भर से काम करने वाली मजदूर महिला काम करके आए, कमा के लाए, और उसको शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे, और वो पति उसको मारे, तो भी तुम्हें पिटना है क्योंकि तुम महिला हो, ये हमारे संस्कारों में हमारे परदादी परदादाओं द्वारा सिखाई जाती थी, इसलिए वो कभी विरोध नहीं करती थी। ये नहीं कि आज ही उसके ऊपर अत्याचार होने लगा है, अत्याचार उसके पहले से होता आया है, लेकिन धीरे धीरे अब ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि अब वो महिला उसके खिलाफ आवाज उठाने लगी है। कहीं कोई गांव में कोई रेप की घटना होती थी तो परिवार चुप होकर के बैठ जाता था, बोलता नहीं था, हमारी बेटी का क्या होगा, इसका विवाह कौन करेगा, हमारी समाज में बदनामी हो जाएगी, घटनाएं पहले बहुत होती थी, लेकिन अब चूंकि वो दर्ज होने लगा, उनको सजा होने लगी है, इसलिए अब लोग बाहर आकर के उसको दर्ज करा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर हमने आर्थिक आजादी की बात करी, सामाजिक की बात करी, अब है राजनीतिक ताकत की बात। बड़ा दुर्भाग्य है अनिता जी कि आज भी, हाँ आप उस व्यवस्था के अंदर एक अपने आप में एक आइकॉन है, बाकी सामान्यतः ये देखने को आया है कि अगर महिला
अगर कहीं आगे आ रही है तो वो किसी न किसी राजनेता की या तो पुत्री है, पत्नी है, या उसके परिवार की बहू है। नहीं, पुरुष आप जैसी महिलाओं को जब देखते हैं तो लगता है कि नहीं, महिलाएं स्वयं भी आगे करके आ सकती है क्या? राजनीतिक स्वतंत्रता की दृष्टि से वास्तव में ये जो सरपंच पति, प्रधानपति, प्रमुख पति, विधायक पति की जो व्यवस्था है ये बदल पाएगी? देखिए इसका मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूं, और यदि महिला खुद ठान ले, देखिए एक्स कोई भी जनप्रतिनिधि है उसकी पत्नी को टिकट मिला है, ठीक है, वो टिकट मिलने तक उसकी पत्नी है, लेकिन यदि जब वो बन जाती है जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि बनने के बाद में यदि उसको वर्क करना है, इंडिविजुअली वर्क करना है, तो वो उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि वो कैसे करे। ये महिला को भी सोचना होगा कि वो अपने निर्णय स्वयं ले, अपनी बात स्वयं करे और अपने फील्ड की सारी तैयारी स्वयं करें। तो ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए सिक्के के दोनों दो पहलू होते हैं, हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं, है ना। हमने रिजर्वेशन महिलाओं का राजनीति में, पंचायती राज में इसलिए किया कि महिला सशक्तिकरण हो, महिलाएं राजनीति में आ गए, और नीचे हम ये कहते हैं कि नीचे की संस्थाएं जो हमारी स्थानीय स्वायत्त शासी प्राथमिक सरकारें हैं, एक तरीके से हाँ, ये प्राथमिक सरकारें, यहाँ से ट्रेंड होकर के जनप्रतिनिधि आगे तक पहुंचता है। तो यदि यहाँ पर उसको ठीक प्रकार से वो निर्णय की क्षमता ले लेती है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ती है। ये तो बात हुई महिलाओं को सभी प्रकार की आजादी की और ताकत की, लेकिन ये मिलेगी तब जब महिला होगी। लिंगानुपात की बात हो या कन्या भ्रूण हत्या की बात हो, आज भी हालात भयावह है कि सरकार इसको लेकर के कुछ निर्णय नहीं कर सकती। देखिए सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर। आपकी केंद्रीय मंत्री तो कहती है कि सब बाकायदा लिंग निर्धारण होना चाहिए। देखिए उनका उनका सोच जो है ना वो भी नेगेटिव नहीं था, है ना, पर वो उनकी व्यक्तिगत सोच है, और वो भी बेटी के लिए ही उन्होंने ये, मतलब मैंने जैसे कहा ना हर चीज के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, उन्होंने किस दृष्टिकोण से कहा है ये उनकी बात, उनसे बात करके आप ज्ञात कर सकते हैं। पर मैं जब भी रोक पाए क्या हम, जब मैं आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जिस तरह से बेटियां आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से बेटियां परिवार की जिम्मेदारियों को ले रही हैं, हाँ मैं ये कहती हूँ कि ग्रामीण परिवेश में आज भी हम उस स्थिति में इतना अधिक बदलाव नहीं कर पाए जितना बदलाव हमें करना चाहिए। पर जिस तरह से सरकार की योजनाएं आई हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी की योजना हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के आई है, हम शुभ लक्ष्मी योजना हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें बेटी को लक्ष्मी मानकर जैसे ही बेटी जन्म लेती है तो उसको लक्ष्मी मानकर के उसके उसके शिक्षा की व्यवस्था को बदलना पड़ेगा नेता जी, जो माँ को और लाती है कि वो अपने को पढ़ रही बच्ची को मार दे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माँ भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, है ना। मैं अनेकों मंचों पर ये बात कहती हूँ कि ये समाज की जो सोच है ना कि बेटा होना ही चाहिए, है ना, उस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और वो सोच हम ये कहें कि तुम्हें बदलना है, हमें अपने घर से, अपने आप से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम समाज के बदलने की, समाज की के परिवर्तन की बात कर सकते हैं। और नेता जी आपके पास में बाल विकास मंत्रालय भी है, राजस्थान और विशेष तौर पर जयपुर बाल श्रमिकों का केंद्र बन गया है, लगातार एजेंसी छापे मारती है, सैकड़ों की तादाद में बच्चे बरामद हो रहे हैं। क्या हम प्रदेश के बच्चों को एक स्वस्थ पढ़ा लिखा भरा पूरा बचपन दे पा रहे हैं? देखिए सरकार ने हालांकि इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं बाल श्रम को रोकने के लिए, हमारे यहाँ तो कठोर कानून भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाल आयोग का भी गठन किया है, वो भी अभी बहुत तेजी से इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों की को शिक्षा मिले, उनका बचपन नहीं छीना जाए और वो बचपन को भरपूर जिए, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने संचालित की है, जिसमें आवासीय विद्यालय हमने प्रारंभ किए हैं ताकि बालक वहीं रह करके
यदि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो बालक वहीं आवासीय विद्यालय में रहकर के अपनी शिक्षा को अर्जित कर सकता है। हॉस्टल संचालित हैं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की है और हम कोशिश में हैं कि इन योजनाओं का प्रसार प्रसार हो ताकि बच्चे यहाँ आए और अपने जीवन को संवारें। ये बहुत सारे इशूज हैं जो सोशल जस्टिस से तय होते हैं, बहुत सारे इशूज हैं जो हमारे डिपार्टमेंट से तय होते हैं, पर हमने नवाचार करके इसमें और कैसे अच्छी स्कीम्स को हम ला सकते हैं, कैसे हम बच्चों को लो सकते हैं। जहाँ तक जयपुर जिले की आपने बात कही है, बहुत सारे बच्चे यहाँ नेपाल से भी आते हैं, नेपाल बिहार उड़ीसा से आते हैं। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को हम जो न्याय बोर्ड है, किशोर न्याय बोर्ड, वहां पर लेकर के जाते हैं, वहां से फिर उनको उनके माता पिता तक भिजवाते हैं कि वो उनके माता पिता के, और जो नियोजक है, जो व्यक्ति उन बच्चों को नियोजित करता है, उनके लिए भी बहुत कड़ा कठोर कानून है और उस कानून के प्रचार प्रसार के लिए भी सरकार ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं कि इस कानून का प्रचार प्रसार हो ताकि लोग छोटे बच्चों को उसमें नियोजित ना करें। चलिए, ये तो रही बातचीत इस प्रदेश के मंत्री जी से, अब थोड़ा अनिता जी से बात करते हैं। आप जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, उसके बाद में आज देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर मंत्री का आपके पास पद, कैसा था ये सफर? देखिए, मुझे तो चूंकि मैं लगातार स्टेप बाय स्टेप आई हूँ, इसलिए एक पार्षद से लेकर के मंत्री तक का आपका सफर तो है। मुझे कोई राजनीतिक परिवार नहीं, निश्चित तौर पर संघ से आप जुड़ी रही, संघ से आपके बड़ा करीब का नाता रहा, वहां से लेकर के आज तक का जो सफर है कैसा रहा? देखिए, मैं अपने आप को ये कह सकती हूँ कि मैं उन करोड़ों महिलाओं में से एक बहुत सौभाग्यशाली महिला हूँ जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का बहुत अच्छा साथ मिला और उनके विचारों ने ही मुझे शक्ति दी कि मैं बहुत अपने काम के प्रति न्याय कर सकूँ। और वही शायद एक कारण हो सकता है कि मेरी यात्रा जो है इतनी लंबी मैं कर पाई। और एक सबसे बड़ा कारण जो मैं समझती हूँ कि मैंने अपने निर्णय स्वयं लिए, है ना, और स्वयं लेने के कारण से जैसे जैसे मेरे दायित्व बढ़ते गए, वैसे वैसे मैंने अपने आप को कोशिश की कि मैं उन दायित्वों पर अपने आप को खरा उतार पाऊँ और मेहनत की और इस सिस्टम को जानने की कोशिश करी, लोगों को जानने की कोशिश करी। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज भी राजनीति को लोग बहुत गंदा बोलते हैं, यहाँ महिलाओं के लिए जगह नहीं है, यहाँ अच्छी घर की महिलाओं के लिए जगह नहीं, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, पर मैं बहुत मतलब 200% कोई मुझे स्टैम्प पेपर पे भी लिखवाए तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ हर अच्छे व्यक्ति का, हर अच्छे लोगों का यहाँ बहुत अच्छा सम्मान है। आखिरी सवाल, आज के 10 साल या 15 साल बाद में अनिता जी खुद को कहाँ देखती है? मैंने कभी अपेक्षा नहीं करी, मैं जब पार्षद थी तब मैंने ये अपेक्षा नहीं करी थी कि मैं एमएलए बनूंगी, जब मैं एमएलए बनी तब मैंने ये अपेक्षा नहीं करी थी कि मैं मंत्री बनूंगी। अपेक्षा हमेशा दुख का कारण होती है, है ना, इसलिए आप काम करते जाओ, परिणाम देना ईश्वर के हाथ में है। और मैं हमेशा संतुष्ट रही हूँ, मैं पार्षद थी तभी भी संतुष्ट थी, मैं चेयरमैन थी तभी भी संतुष्ट थी, मैं एमएलए थी तभी भी संतुष्ट थी और आज भी मैं संतुष्ट हूँ। ये नहीं कह सकती कि मैं असंतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा जीवन अपना जिया है, बहुत साफगोई से जिया है और शायद इससे ज़्यादा कोई अच्छा हो नहीं सकता मेरे लिए, इतना मैं मानती हूँ। चलिए नेताजी, आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आप यहाँ आई व्यस्त समय में से टाइम निकाल करके, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।